जैसा कि सब जानते हैं कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी में वैकेंसी आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिटेरिया है। सुपरिटेंडेंट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको साइंस में या आर्ट्स में कॉमर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें जेंडर कैटेगरी का मैक्सिमम एज 30 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका सुपरिटेंडेंट में 88, जिसमें से हमें रिजल्ट है 40। और इसका एग्जाम का पैटर्न जो है वो सिंगल एग्जाम इंटरव्यू, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम का पैटर्न में इसमें आपका रीजनिंग आपका क्वेश्चन रहेगा 40 टाइम 45 मिनट्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 25 मिनट्स, उसके बाद डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव 40 आपका टाइम 45 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन एंड 25 मिनट्स। तो ओवरऑल आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा। जब आप इस एग्जाम को पास करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन अगेन आपका फाइनल होगा। सुपरिटेंडेंट पोस्ट का अप्लाई करने के लिए आपका जो मैक्सिमम इसमें फीस है वो जनरल कैटेगरी का 1000 रुपीज, और उसमें वुमेन्स का SC ST का आपको 700 रुपीज, वुमेन्स का SC ST का 300 रुपीज, और जनरल कैटेगरी का फीस इसमें फॉर्म फिलअप बनेगा 1000 रुपीज। फॉर्म फिलअप 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका जाके 16 मार्च को फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। उसके बाद आप पहुंचते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट में। जूनियर सुपरिटेंडेंट में सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होने से होगा। जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम एज है 30 इयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका इसमें 155, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी का 68। इसमें एग्जाम का पैटर्न दो तरीके से है। फर्स्ट एग्जाम है पैरामार्क प्रीलिम लेवल, जिसमें कि सेम बैंकिंग का सिस्टम वो फॉलो कर रहा है। मैथमेटिक्स आपका रहेगा 35 क्वेश्चन 20 मिनट सॉल्व करने के लिए, आपका रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट सॉल्व करने के लिए, और इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 20 मिनट। तो ओवरऑल इसमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट्स का टाइम। आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा तो आप मेंस में बैठेंगे। मेंस में आपका जो इसमें एग्जाम का पैटर्न है वो है रीजनिंग 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स, डाटा एनालिसिस डाटा इंटरप्रिटेशन 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पे मेन क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जो कि आपका 50 क्वेश्चन का वो इसमें है और टाइम आपका 30 मिनट। तो टोटल क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपका 200 क्वेश्चन इसमें रहेगा, और इसमें टोटल टाइम अगर देखा जाए तो आपका टोटल टाइम मिलेगा इसमें 150 मिनट्स, टोटल टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट्स। तो ये वैकेंसी इसमें जूनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज होने से होगा, और इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज होने से होगा, इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज या मैक्सिमम का कोई क्रिटेरिया नहीं दिया हुआ है। थर्ड में आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका डिग्री एग्रीकल्चर में डिग्री होना चाहिए, या एग्रीकल्चर में अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास अगर जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है तो फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तीनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो आप फॉर्म को इसमें जनरल ग्रेजुएट वाले नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज है आपका 28 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 238, जिसमें इसकी अनरिजर्व है 113। इसमें एग्जाम का पैटर्न सिंगल एग्जाम का पैटर्न है, इसमें प्रीलिम का कोई कांसेप्ट नहीं है। इसमें आपका रीजनिंग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14, टाइम आपका दिया हुआ है 35 मिनट्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चन, टाइम दिया हुआ है आपका 20 मिनट, डाटा एनालिसिस डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमेटिक 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 10 मिनट, एंड आपने जो सब्जेक्ट लिया एग्रीकल्चर या जियोलॉजी या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, तो उसके ऊपर में आपका प्रोफेशनल नॉलेज एग्जाम होगा, वो 65 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 50 मिनट्स। तो इस तीनों में सबसे बड़ा हम चलते डिफरेंस क्या है, तो सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिलअप करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसको फिलअप करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसको फिलअप करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर का डिग्री होना चाहिए, या आपके पास जियोलॉजी केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट होने से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट का मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स और जूनियर टेक्निकल का मैक्सिमम एज 28 इयर्स। इसमें एग्जाम पैटर्न्स में भी डिफरेंस है। सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इस दोनों का एग्जाम सिंगल एग्जाम है, और जूनियर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा।
आप इस तीनों का फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिलअप चार्ज है 1000 रुपीज और वुमेन्स एससी एसटी का फॉर्म फिलअप चार्ज है 300 रुपीज। आप चाहे तो इस फॉर्म को आप एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल स्टूडेंट, ये तीनों फॉर्म को अलग अलग करके फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिलअप किया तो आप जूनियर सुपरिटेंडेंट का नहीं कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आप तीनों में इंडिविजुअली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप इसका इंडिविजुअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इसका इंडिविजुअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इसका इंडिविजुअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास में डिग्री है तो। अगर अगर आपने तीन अलग अलग फॉर्म फिलअप किया है तो आपको तीन का अलग अलग फी पेमेंट करना होगा। मतलब इसमें आपको 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी, देन अगेन इसमें 1000 रुपीज, देन अगेन 1000 रुपीज करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक फॉर्म फिलअप किया है तो सेकंड फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर का डिग्री है तो आप इस तीनों फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तीनों का तो एग्जाम डेट भी तीनों का अलग अलग पड़ेगा, एक ही दिन में तीनों का एग्जाम डेट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास में तीनों डिग्री है तो आप यहाँ से तीनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड फिलअप करने के बाद एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो बहुत दिन के बाद ये सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, आई थिंक दो तीन साल के बाद ये वैकेंसी आई है और फॉर्म फिलअप करने का आपका डेट 15 फरवरी से स्टार्ट है और 16 मार्च को आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हो जाएगा। और एग्जाम का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया, एग्जाम का डेट आपको इन ड्यू कोर्स में इसको अनाउंस किया जाएगा। तो अभी जितने भी ग्रेजुएट हैं, ये बहुत बड़ा चांस है, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और एग्जाम का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट बैंकिंग के समान है और अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रीलिम्स आप आसानी से पास कर सकते हैं। और मेंस का जो पैटर्न वो पूरा का पूरा बैंक का मेंस का पैटर्न है, सिर्फ आपको जूनियर टेक्निकल में या आपको प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर करना होगा, बाकी आपका सुपरिटेंडेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पूरा 100% बैंक के सिलेबस के ऊपर में है। तो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आप जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी प्रिपरेशन से आपका ये एग्जाम को भी आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर देंगे, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत यहाँ पे सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इमीडिएटली जैसे ही आपका ये पोर्टल खोले आप फॉर्म फिलअप को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको जितना जल्दी हो सारे आदमी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।